ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, ग्रहों का राजा। कोई सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए। सूर्य आपको नेम फेम प्रसिद्धि, आपको पॉपुलरिटी, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत, राजपक्ष में, राज्य पक्ष में, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों की प्राप्ति, तो आपको उच्च पद, ख्याति, देश विदेश, तो आपके देश विदेश में प्रसिद्धि, जातक जहाँ भी जाता है उसकी इम्पोर्टेंस बनती है, उसका पराक्रम बना रहता है। और जातक शुभ स्थिति होने पर, आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति शुभ है, तो जातक सूर्य के समान बिल्कुल चमकता है और बहुत हर जगह अग्रगण्य रहता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस हर जगह बढ़ती जाती है। अशुभ स्थिति होने पर समय समय पर थोड़ा अपयश का भागीदारी बनना पड़ता है, और बहुत अच्छा सोचने पर, अच्छा करने पर, तो थोड़ा अपयश, समय समय पर थोड़ा अपमानित होना पड़ता है। तो ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, अभी तक सूर्य अपनी निज तुला राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 16 नवंबर को दोपहर 1:01 पर वृश्चिक राशि में का प्रवेश करेंगे, यानी इनका राशि परिवर्तन होगा। और आज आपको जानकारी देंगे मेष राशि और वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। और मित्रों, अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से इसको देख लीजिए, यह फलादेय चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे विनती, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। बात करते हैं मेष राशि। यहाँ पर जो इनका राशि परिवर्तन 8th हाउस में हो रहा है, यह मित्र राशि है इनकी मंगल की, लेकिन यह शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि 8th हाउस को अच्छा हाउस नहीं माना जाता। इससे आपकी आयु, आपका सुख दुख का संघर्ष, आपके रोग, आपकी अल्प मृत्यु, शारीरिक कष्ट, इन सब चीज़ों के बारे में इसका विचार किया जाता है। और गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गुप्त धन, ये सब अष्टम भाव से देखते हैं। और यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, वह स्थिति बहुत शुभ नहीं उसको कह सकते। और चूंकि वहाँ पर 5 दिसंबर को मंगल भी राशि प्रवेश करेंगे, तो अंगारक दोष भी बनेगा। तो यहाँ पर जो स्थिति है आपकी, और ये आपके पंचमेश हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी, यह आपको अचानक चोट फेट एक्सीडेंट, अग्नि तत्व है, अग्नि से संबंधित गर्मी की, पित्त की प्रॉब्लम, चोट फेट एक्सीडेंट, अनावश्यक नुकसान, लॉस, कोई नेम फेम खराब होना, कोई आपकी बात खराब होनी, और कोई गुप्त रोग, और आपकी ब्लैक मनी का नुकसान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और साथ में चूंकि ये पंचमेश है, संतान की तरफ से थोड़ी कष्ट, चिंता, थोड़ी परेशानी, आपकी संतान आपको सहयोग नहीं मिलना, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी एजुकेशन, उनकी बिजनेस, नौकरी, कार्य, व्यवसाय में थोड़ी दिक्कत, परेशानी, विवाह, शादी में अड़चने, तो यानी संतान की तरफ से ऑल ओवर थोड़ा संतुष्टि में कमी थोड़ी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सेम स्थिति रहेगी, कहीं आपको कोर्स करना, एडमिशन लेना प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ, थोड़े कन्फ्यूज़न, डिसीजन लेने की पोजिशन नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, थोड़ी इरीटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, एकाग्रता में कमी, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत यहाँ पर थोड़ी सी रहेगी। प्रेम संबंध वालों के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, लेकिन इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, और वहाँ पर राहु बैठे हैं, तो आपस में थोड़ा यहाँ पर भी थोड़ा टकराव होने की संभावनाएँ रहेंगी। हालांकि शुक्र आपके नवंबर के महीने में आपके मूल त्रिकोण भाग्य स्थान में, जो कि आपके द्वितीय हैं, ये अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी समय समय पर थोड़ी सी परिवार में कोई पारिवारिक समस्या, कोई प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है, थोड़ा आपका धन का नुकसान हो सकता है, तो यह थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी यहाँ पर वीक पड़ जाएगी, थोड़े इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, थोड़ी ब्लड प्रेशर की शिकायत, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा धैर्य और संयम रखिए,
और सूर्य भगवान की उपासना कीजिए, उनको प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, तो आप थोड़े से इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे। देखिए मित्रों, फलादेश चंद्र राशि के ऊपर है, इसकी अपनी अहमियत, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली होती है उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तो संभवतः फिर सूर्य के जो दुष्प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, थोड़ा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो इनका ट्रांजिट हुआ है आपके सेवंथ हाउस में हुआ है, यानी जहाँ से आपका दाम्पत्य सुख, आपके विवाह शादी के संबंध, पति पत्नी और आपके प्रेम संबंध, आपका बिजनेस, पार्टनरशिप, इन सब का विचार किया जाता है, तो यहाँ भी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। लेकिन 21 तारीख को जब वहाँ बुध ट्रांजिट करेंगे तो बुध आदित्य योग भी बनेगा, ऑलरेडी वहाँ पर केतु भी संचार कर रहे हैं। वैसे केतु की जो वृश्चिक राशि उच्च की मानी जाती है, लेकिन सूर्य के साथ जब केतु आएंगे ग्रहण दोष बनेगा, लेकिन 21 को बुध आ जाएंगे तो स्थिति थोड़ी बैलेंस बनेगी, बुध आदित्य योग भी वहाँ पर बनेगा, उस दृष्टि से स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी। लेकिन 21 तारीख तक थोड़ी स्थिति आपके पक्ष में फेवर में नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, कोई सेपरेशन, और ये मतभेद आपके कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, आपके घर से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा धैर्य और संयम रखिए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, उनकी उपासना करें, और आपका विवाह संबंध कहीं होने जा रहा है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपके विच्छेद हो सकता है, थोड़े डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, और आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, फिलहाल स्थगित कीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। अब इनकी सीधी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन, चूँकि पर राहु वहाँ पर संचार कर रहे हैं, थोड़ी टकराव की स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य राहु जब आते हैं या एक दूसरे का दृष्टि संबंध होता है तो ऑब्वियसली ग्रहण दोष बन जाता है, और यह राहु सूर्य का समसप्तक योग भी बनेगा, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं रहेगी। और वहाँ के जो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र जो है वह भी एट्थ हाउस में संचार कर रहे हैं, तो इसलिए शारीरिक मानसिक संतुलन आपका यहाँ पर थोड़ा आपका ख़राब हो जाएगा, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आएगी, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की शैली, कार्य तो आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर यहाँ पर वीक हो सकती है, और आप थोड़े एग्रेसिव यहाँ पर रह सकते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, इनसिक्योरिटी का माहौल रहेगा, धैर्य और साहस में कमी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी कमी आएगी, तो थोड़ा धैर्य और साहस रखिए। और साथ में यहाँ पर जो आपके दया स्थिति बन रही है, थोड़ी 21 तारीख के बाद थोड़ी सामान्य स्थिति बनेगी, लेकिन तब तक आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस, अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन आपकी जो लग्न कुंडली है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, एक बार उसका विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में आपके अनुकूल चल रही है तो संभवतः थोड़ा दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी सूर्य की, और अगर वहाँ भी दशांतर दशा आपके प्रतिकूल है, आपके पक्ष में नहीं है, तो थोड़े इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, परेशानियों और कठिनाइयों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया, थोड़ी हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, और थोड़ी यहाँ पर जो स्थिति है, थोड़ी बीमारी, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपका नाम खराब कर सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर, थोड़ा आपका नाम भी खराब हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए और एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, और रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ और एक तांबे का कॉइन बहते पानी में या समुद्र में, खाड़ी में प्रवाहित करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।